साथियों नमस्कार, मैं महादेवी बोल रहा हूँ। बहुत कुछ लोग चर्चा कर रहा है, यदि 7 दिन के अंदर हो, 3 दिन के अंदर हो पे कमीशन लागू किए हो तो ये भारत सरकार में बहुत आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है पिछली कुछ लोग कुछ संगठन ने 10 जुलाई से अनिश्चित हड़ताल करेगा, अनिश्चित भूख हड़ताल करेगा बोला था। ये लोग इसी तरह प्रचार किए था। क्या प्रचार किए था? आप मैं 10 जुलाई को बैठ रहा हूँ, आप 3 बजे तक मंत्री हमारे पास आ जाएगा, आके आप ऑर्डर लेके जाना है, ऑर्डर लेके जाना पे कमीशन लागू हो जाएगा। इस तरह भी प्रचार करके 50 आदमी का ये लोग इकट्ठा नहीं कर सका। मतलब एक कोई झूठ का कुछ नहीं नतीजा होता है। अभी भी है, आप आ जाओ कल 29 को, किसी को आपका पूरा समस्या समाधान हो जाएगा करके। ये पिछली बहुत सालों से हम लोग देख रहा है, इस तरह कोई सुसाइड हो, इस तरह आदमी का ये मानव ये क्या बोलता है, GDS का जो आक्रोश है, मैं मानता हूँ हम लोग भारत सरकार के खिलाफ शानदार एक संघर्ष करके प्रतिरोध, GDS का नाराजगी प्रतिरोध देश भर में लगभग 70% लोग हड़ताल करके दिखाया है, कन्याकुमारी से काश्मीर तक को। आज का स्थिति है, सभी संतुष्ट है, देश का पूरा ठीक है। पे कमीशन आएगा, अगले महीने ऑर्डर हो जाएगा, मुझे मालूम है अक्टूबर में अरियर्स भी मिलेगा। यदि इसका पहले आज कल हो जाएगा, इससे वो तो कैबिनेट में कैबिनेट का प्रोसीजर का कोई ओवरलुक करके ऑर्डर कर नहीं सकता। इवन कामा पुलिस स्टाफ भी चेंज नहीं होगा, मैं बहुत अनेकों बारी बोला हूँ। इसलिए इस तरह कुछ लोग जनप्रियता के लिए जस्ट गिमिक करने से कुछ फायदा नहीं होता। आप लोग रहो, आप लोग आराम से रहो, हम लोग जरूर अगले महीने पे कमीशन होगा। सब कुछ वेरिफिकेशन का राजनीति का ड्रामा चल रहा है, इसका कोई ये नहीं। हम लोग लगातार बोनस का समय में लड़ाई किया है, 2008 में हम लोग कोई लड़ाई नहीं कर सकता था ईडी एम्प्लॉयज, GDS एम्प्लॉयज, पिछले 70 साल से डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के कारण इंडपने स्ट्राइक नहीं किया। आज हम लोग 2008 में अकेला लड़ना पड़ा, लड़के हम लोगों पिछली बार कमीशन लगवाया, इसके बाद बोनस में अन्याय हुआ, बोनस का खिलाफत बहुत 7 दिन का लड़ाई किया, बोनस मिला। आज हम लोग का 7,000 हिसाब से बोनस मिलेगा, अगले महीने बोनस का भी ऑर्डर हो जाएगा। परंतु इसके बाद पे कमीशन का बात आया, ये लोग आज इतना ये बोल रहा है, क्यों 7 CPC में इंक्लूड करने के लिए कोई एक दिन का लड़ाई नहीं किया, कोई एक दिन का इंडपने स्ट्राइक नहीं करवाया। हम लोग लड़ाया भारत सरकार से, मोदी गवर्नमेंट हो, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हो, सभी सरकारों से एक लड़ाई किया, कुछ हासिल किया, कुछ आज अच्छा रिकमेंडेशन आया है। आज नेगेटिव करके बोल रहा था, सभी काट चीट कर रहा है, परंतु हम लोग का इसका हड़ताल का नोटिस देने के बाद हम लोग का ध्यान में आया, हम लोग भी सोशल मीडिया में देखा, देखने के बाद मुद्दा बनाया। आज इसका भी मुद्दा का समस्या का समाधान के लिए हम लोग दरवाजा खोला है सरकार से। इस तरह होता है समय, हम लोग लगातार ये व्यवस्था किसी आदमी का खिलाफत नहीं लड़ाई है, ये व्यवस्था का खिलाफत संघर्ष है। व्यवस्था 160 साल से बना आ रहा है, इसमें रातों रात खुदा भी चेंज नहीं कर सकता।